हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोग को चौथी साइज ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगी तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप चौथी साइज ब्लाउज की स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। ब्लाउज आप लोग बहुत ही अच्छा परफेक्ट बनाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये बैक पार्ट है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट है, और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है, और यहाँ पे ये स्लीव्स है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे, क्योंकि इतना मार्जिन लेके सिलाई करना है जो बैक में पलटा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको खोल लेंगे, खोल के बराबर से बिछा लेना है बैक पार्ट को। उसके बाद इसको भी अस्तर को भी ऊपर से इस तरह से बिछा लेना है। मेन कपड़े को सीधा रखना है इस तरह से, उसके बाद अस्तर को ऊपर से इस तरह से रख लेना है सेट करके। तो यहाँ पे सेट करके रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ पे कट लगा वहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये देखिए सिलाई लग गया है एकदम फिनिशिंग के साथ। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट कर इस तरह अस्तर पे एक बुट की सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से अस्तर को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेना है, इस तरह से पलट लेंगे। उसके पलट के यहाँ पे इस तरह से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ ऊपर से लगाते जाना है। तो यहाँ पर इसमें भी कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है। अगर बराबर नहीं करेंगी तो कपड़े में झोल आएगा, कहीं से फुलान आ जाता है इधर उधर से, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए एकदम आसानी से एकदम धीरे धीरे इसको इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है, टाके को बड़ा कर लेना है। उसके बाद इसमें चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाना है इस तरह से। इसमें और ध्यान देना होता है क्योंकि इसमें सिकुड़न आ जाता है, तो बैक में फुलान आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको एकदम बराबर करते जाना है, बराबर करके इसमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से घुमाते जाना है और बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो हम कट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चौथी साइज ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करेंगे, इसीलिए वीडियो को कट नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देख के इसको यूज भी कीजिएगा, बनाइएगा भी इसी तरह से, ताकि आप लोग भी अपने घर में वीडियो देख के आसानी से कपड़े की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से घुमाते जाना है और यहाँ पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको एकदम बराबर करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको देखिए चारों तरफ से सिलाई लग गया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल देना है एकदम एक बराबर से। ध्यान रहे कि अस्तर नहीं कटना चाहिए, केवल जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वही कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये इस साइड भी, गले के साइड भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से एकदम बराबर करते हुए कटिंग करते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकती हैं कोई झोल नहीं आया, एकदम बिल्कुल एक बराबर है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से जो निशान लगाए हैं डॉट का, उसमें इस तरह से डॉट डाल लेना है।
तो यहाँ पे देखिए निशान लगाने से क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, यहाँ पे आसानी से डॉट डाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डॉट लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बैक पार्ट तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे तो यहाँ पर इसको रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे एक पल्ला हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मेन कपड़ा भी लेंगे और अस्तर भी लेंगे। इस तरह से अस्तर को बराबर करना है तो यहाँ पे इस तरह से बिछा लेना है अच्छे से। बिछा कर उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है एकदम इस तरह से। उसके बाद घुमाते जाना है, घुमा कर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से एकदम बराबर से। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं, इस साइड भी इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसे पलट के देखिए कितना यहाँ ये परफेक्ट बना हुआ है। उसके इसी तरह से दूसरा पल्ला भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पल्ला भी तैयार कर लिए हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से इसको भी काट लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉट डालेंगे इस तरह से। तो जहाँ पे निशान लगाए हैं सेम उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से चारों डॉट तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से डॉट डालेंगे। ध्यान रहे कि नीचे का कपड़ा छूटना नहीं चाहिए, उसको एकदम इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए चारों डॉट डाल लिए हैं यहाँ पे कितने फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से दूसरे वाले में भी डॉट डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों डॉट तैयार कर लिए हैं। उसके बाद इसमें हुक आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये पट्टी लिए हैं, ये 2.5 इंच चौड़ा है और लंबाई जितना आपका आगे का पट्टी है उसी हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस तरह से पहले हम इसमें हुक अटैच होता है उसकी पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच जो मार्जिन लिए थे हुक आई की उससे इस तरह से रख के उसके बाद सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद नाखून से इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद पलट लेंगे इस तरह से। एक बार पलट के ऊपर की तरफ इस तरह से अस्तर पे ही सिलाई लगाना है फिनिशिंग के साथ एक बूट की। तो यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक बार इस तरह से और पलटेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें तुरपन होगा। तो यहाँ पे अभी हम तुरपाई नहीं कर रहे हैं, अभी इसमें कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी काट के निकाल दिए। तो यहाँ पे हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई। अब आई की पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे आई की पट्टी के लिए यहाँ पे सेम कपड़ा लिए हैं, ये भी 2.5 इंच चौड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मेन कपड़ा भी लिए हैं। मेन कपड़े को नीचे रखना, अस्तर को ऊपर रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के 1/2 इंच जो सिलाई मार्जिन लिए हैं उस पर इस तरह से रख के बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाना है एकदम बराबर से इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट करके हाथ से इस तरह से फिनिशिंग करते हुए एक बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे कपड़े को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बूट की सिलाई ऊपर लगाते जाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे ये ब्लाउज पे नहीं चलना चाहिए, पट्टी पे ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जस्ट बगल में एक बूट की सिलाई और लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों सिलाई लग गया है डबल सिलाई। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल लेना। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हुक आई की पट्टी कंप्लीट हो गया है। गला भी कितना गोल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को इस तरह से लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच बाहर की तरफ निकाल लेना है आगे तरफ। उसके बाद यहाँ पर जितना आपका सीना है उसी हिसाब से निशान लगाइए। तो यहाँ पे 8.5 इंच भी निशान लगाए हैं, 34 इंच सीना है। उसके बाद यहाँ पे 27 इंच कमर है, उसके चौथाई हिस्सा पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके ऊपर की तरफ कट लगा लेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है।
उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। इसी तरह से फिटिंग का निशान लगता है तो यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट को उठाएंगे, फ्रंट पार्ट को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे, इसको इस तरह से उठा लेना है। उठा कर इस तरह से यहाँ पर एकदम बराबर से इस तरह से निशान लगाना, तो यहाँ पर इस तरह से उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा पर निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा, उस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आई की पट्टी है उसको आगे की तरफ निकाल लेना है। उसको निकाल के यहाँ पर एक बराबर करके इस तरह से कट कर लेंगे। नीचे भी इस तरह से कट कर लेना है, तो यहाँ पे सेंटर पे कट कर लिए हैं। उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे, इस साइड भी निशान इस तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे फिटिंग देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह से पहले निशान लगा लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बैक पार्ट को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे को ज्वाइंट करेंगे। स्लीव ज्वाइंट करने से पहले कंधा ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पर इस तरह से कंधे को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे एक कंधा ज्वाइंट हो गया है, इसी तरह से दूसरा कंधा भी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से बराबर से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों कंधा ज्वाइंट कर लिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से पलट कर इसमें डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कंधा भी ज्वाइंट हो गया है, देखिए। उसके बाद यहाँ पर इसका स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स है, तो यहाँ पे अस्तर है और यहाँ पे मेन कपड़े की भी कटिंग हुआ है। इसको इस तरह से बराबर कर लेना है, तो यहाँ पे बराबर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से 9.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इतना पलटा जाएगा आगे की तरफ मोहरी में। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मेन कपड़े को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अस्तर लेंगे और मेन कपड़े को लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से सीधा जो हिस्सा है उसमें इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को रख लेना है बराबर से। तो यहाँ पर बराबर से रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो कट लगाए हैं वहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर पलट के अस्तर पे इस तरह से एक बुट की सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना। इसी तरह से दोनों में लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स में अस्तर में सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट के यहाँ पर इस तरह से अस्तर को बराबर करते जाएंगे और चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से काट के निकाल लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स एक बराबर है। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो लेस था इसको लेस भी इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों स्लीव्स के लिए यहाँ पे लेस एक बराबर से काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर से रख के रखते जाना है और उसके बाद यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एकदम नॉर्मल से सिलाई लगाना है, लेस को खींचना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे सिकुड़न आ जाता है। तो यहाँ पे एक स्लीव्स में लगा लिए हैं। इसी तरह से दोनों स्लीव्स में लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स में लेस लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको बराबर कर लेना है इस तरह से। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर पे कट दोनों में इस तरह से बराबर करके लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से एकदम परफेक्ट यहाँ पर स्लीव्स तैयार हुआ है। इसको इस तरह से बराबर रख के उसके बाद यहाँ पे नापेंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल एक बराबर है ये। उसके बाद यहाँ पर ये पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा पट्टी है, इसको भी इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर पट्टी बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से
ब्लाउज लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज को सीधा रखना है और स्लीव्स को उल्टा रखना है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से रख लेना है। जो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाए थे वो आगे का हिस्सा है, तो इसलिए क्रॉस वाला फ्रंट पार्ट पे रखना है इस तरह से। उसके बाद कंधे पे इस तरह से रख के एकदम एक बराबर से इस तरह से सिलाई लगाना है। ध्यान रहे कि स्लीव्स को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे एकदम इस तरह से बराबर करते जाना है और इस तरह से स्लीव्स में सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगा ली है, इसी तरह से पलट लेंगे, पलट के इस तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इसमें भी इस तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एकदम बराबर से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए है, उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट के यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए डबल सिलाई भी लगा लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स तैयार हुआ। इसी तरह से दूसरा भी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा भी स्लीव तैयार कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एकदम बराबर कर लेना है स्लीव्स को, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो जितना आपका यहाँ पे मोहरी है उस तरह से यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है, उसके निशान लगा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है, सीधा करके एकदम सेम निशान पे इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पक्का कर लेना है, तो यहाँ पे पक्का कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधे निशान पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे बहुत लोग को फिटिंग लगाना नहीं आता है, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगी तो यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आराम से आप लोग को ब्लाउज में फिटिंग लगाना भी आ जाएगा। मैं इसी तरह से एक एक पॉइंट बताती हूँ कि आप लोग को एकदम अच्छा से ब्लाउज या सूट भी कोई भी कपड़ा एकदम परफेक्ट कटिंग और सिलाई आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसमें फोल्ड करके नीचे की तरफ इस तरह से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम सीधी सिलाई लगी है, तो यहाँ पे देखिए ये एकदम सिलाई भी सीधा आया है एकदम जॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से दूसरे साइड भी फिटिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पे मोहरी की निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना आपका मोहरी है उसी हिसाब से निशान लगाइए, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो फिटिंग वाला यहाँ पर ये निशान है उसी पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे कपड़े को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग कपड़ा सिल के ही क्या करेंगे जब आप लोग को फिटिंग लगाना नहीं आएगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगी तो आप लोग को फिटिंग लगाना भी आ जाएगा, एक परफेक्ट तरीके से आप लोग को ब्लाउज की स्टिचिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नीचे के साइड पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फिटिंग की सिलाई लग गई, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा से यहाँ पे ये सिलाई लग गया। उसके बाद यहाँ पर जो ये यहाँ पे हुक वाली पट्टी है इसको इस तरह से नीचे का फोल्ड करना है, तो हुक वाली पट्टी की तरफ से इस तरह फोल्ड कर लेना, फोल्ड करके इसमें कच्ची सिलाई लगा लेना है क्योंकि ये तुरपाई होगा। तो इसी तरह से दोनों साइड भी लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है, नाप के यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है, निशान लगा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर इसका फिटिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच बढ़ गया है, 27.5 हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सीना को नापेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से नापना होता है यहाँ पे। बहुत लोग को तो नापना भी नहीं आता है, फिटिंग भी नहीं लेना आता है, तो यहाँ पे इसी तरह से नापा जाता है। इस तरह से आप लोग को एक एक पॉइंट कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सीना का जो है फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई लगाएँगे, तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई लगाते जाना है। तो कमर पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा तिरछा करके एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर पक्का कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ की सिलाई नीचे की तरफ से लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए
इसमें डबल सिलाई इस तरह से लगा लेना है। डबल सिलाई लगाने से क्या होता है, कभी कपड़ा घट भी बढ़ सकता है, फिटिंग में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे एक सिलाई खोल लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नापेंगे, तो यहाँ पे देखिए एकदम 27 इंच परफेक्ट आया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे देखिए कितना सीधा सिलाई आया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके यहाँ पे देखिए एकदम आप लोग के सामने है, यहाँ पे फिटिंग का सिलाई एकदम परफेक्ट आया है। इसी तरह से दूसरे साइड का भी सीधा कर लेंगे, यहाँ पर भी ये सिलाई एकदम सीधा आया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको बराबर कर लेना है। बराबर करके इसमें इस तरह से एकदम बराबर करेंगे। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसमें पाइपिंग लगाना है, तो इसमें डोरी पाइपिंग बनेगी। तो यहाँ पर एक बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे पर इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से कंधे पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पाइपिंग भी बन गया है, कितना सुंदर, डोरी भी लगा लिए हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट 34 साइज ब्लाउज बन के कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।